सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। सब चीज जोड़ में बनाई। अब हम जिक्र करेंगे इल्मे हैवानात का, जूलॉजी, इल्मे हैवानात, जूलॉजी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 30 में, हर जानवर जो जमीन पे चलता है, हर परिंदा जो आसमान में उड़ता है, हमने उन्हें इंसान जैसे ग्रहों में रहना सिखाया है। वी हैव मेड देम टू लिव इन कम्युनिटीज लाइक द ह्यूमन बींग्स, द एनिमल्स एंड द बर्ड्स। और आज साइंस तस्लीम करता है कि जानवर और परिंदे भी इंसान जैसे ग्रहों में रहते हैं, दे लिव इन कम्युनिटीज। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल में, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 68 और 69 में, 68 और 69 में, अल्लाह सुबहाना व ताला ने शहद की मक्खी को सिखाया है कि वो अपना छत्ता बनाए पेड़ में, पहाड़ में, इंसान जहां रहते हैं वहां, और महारत के साथ अपना रास्ता ढूंढे। अल्लाह ताला क्या कहना चाहता है जब कहता है कि हमने सिखाया शहद की मक्खी को महारत के साथ अपना रास्ता ढूंढे। सन 1973 में, 1973 में, एक मशहूर साइंसदान जिसका नाम था फॉन फ्रेश, उसको नोबेल प्राइज मिला डिस्क्राइब करने के लिए द बिहेवियर ऑफ द बी एंड हाउ दे फाइंड द स्पेशियस पाथ ऑफ द लॉर्ड। उसको नोबेल प्राइज मिला शहद की मक्खी के बारे में रिसर्च करने के लिए। और फॉन फ्रेश कहते हैं कि जब भी कोई मधुमक्खी, शहद की मक्खी, एक नया बगीचा ढूंढती है और एक नया फूल ढूंढती है जिससे नेक्टर को लिया जा सकता है, वो अपने दोस्त से जाके कहती है ये नए फूल की दिशा, इस नए फूल तक किस तरीके से पहुंचना, उसका नक्शा बताती है अपने बदन को हिलाने से, जिसे साइंस में कहते हैं बी डांस, शहद के मक्खी का नाचना। अपने बदन को हिलाने के जरिए वो बताती है किस तरीके से उस नए फूल की तरफ आप पहुंच सकते हैं। और ये आज साइंस जानता है ड्यू टू हाई फोटोग्राफिक मेथड्स। और कुरान में जो शहद की मक्खी जो काम करती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्कर भी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। और कुरान में जो शहद की मक्खी जो काम करती है, जिसे इंग्लिश में कहते वर्कर भी, उसका जिन्स कहा गया है कि वो है फेमिनिन, वो मुअन्नस है। अरबी में कहा गया फसल की कुली, मतलब मुअन्नस। इंसान पहले समझते थे कि वो काम करने वाली शहद की मक्खी है मुजक्कर, मेल है। इसीलिए शेक्सपियर अपनी किताब में लिखता है हेनरी द फोर्थ में कि सोल्जर बीज, मर्द शहद की मक्खी आपस में बात करते हैं और रिपोर्ट करते हैं राजा के पास। आज साइंस कहती है कि जो काम करने वाले शहद की मक्खी वो मुजक्कर नहीं है, मोनस है, दे फेमिनाइन, और वो राजा के पास जाके रिपोर्ट नहीं करती, वो रानी के पास जाके रिपोर्ट करती है। आप सोच सकते हैं कुरान मजीद 1400 साल पहले उस वर्कर बी का जिन्स भी बताता है कि फेमिनिन है, मुअन्नस है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनकबूत में, सूरह नंबर 29 आयत नंबर 41 में, कि जो लोग अल्लाह के अलावा जिसको मददगार बनाते हैं उनकी मिसाल है मकड़ी जैसी, लाइक अ स्पाइडर। और मकड़ी अपने लिए घर बनाती है और मकड़ी का घर कमजोर है। कुरान मजीद में यह कहने के अलावा कि जो लोग अल्लाह के अलावा किसी को मददगार बनाते हैं वो अपना घर वेब जैसा, जाला जैसा घर बनाते हैं, जो कमजोर है, नाजुक है। उसके अलावा ये इशारा कर रहा है, आज साइंस ये कहती है कि मेनी अ टाइम द फीमेल स्पाइडर किल्स द मेल स्पाइडर, मकड़ी मकड़े का कत्ल करती है। आज साइंस ये कहती है कि बताने के अलावा के जो जाल मकड़ी का कमजोर है, ये भी बताती है कि फैमिली रिलेशनशिप, घर में कैसा बर्ताव है। मकड़ी कई बार मकड़े का कत्ल करती है और कहा जाता है ब्लैक विडो, काली विधवा या काली बेवा। कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नमल में,
सूरह नंबर 27 आयत नंबर 17 और 18 में सुलेमान अलैहिस्सलाम के आगे उनकी फौज थी जिन की इंसानों की और परिंदे की, और जब वो चूटी की वादी की तरफ जा रहे थे, एक चूटी कहती है दूसरे चूटियों से कि आप अपने बिल में चले जाओ वरना सुलेमान अलैहिस्सलाम अनजाने में हमें कुचल लेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। लोग कहेंगे कैसी किताब है ये कुरान मजीद, चूटी आपस में बात कर रहे हैं, ये तो परियों वाली कहानी है कुरान मजीद, चूटी आपस में बात करती है। आज साइंस ये कहता है कि कोई भी जानवर, कोई भी इंसेक्ट जो इंसान के सबसे करीब है बिहेवियर में, जिस तरीके से जिंदगी बसर की जाती है, वो है चींटी। आज साइंस ये कहती है कि जिस तरीके से इंसान मरने के बाद इंसानों को दफन करते हैं, उस तरीके से चींटी भी मरने के बाद दूसरे चींटी को दफन करती है। जिस तरीके से दे सोफिस्टिकेटेड लेबर, चींटी के पास भी जब वो काम करते हैं, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, फोरमैन है, वर्कर है, चींटी अक्सर मिलकर बात करती है। आज साइंस ये कहती है दे हैव अ सोफिस्टिकेटेड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, उनके बातचीत करने का तरीका बहुत आला दर्जे का है। साइंस ये कहती है कि चींटी अक्सर सामान का लेन देन करती है सूख में, दे हैव मार्केट प्लेसेस एज एक्सचेंज गुड्स। हमारे वहां सूख है ना, क्या कहते हैं मार्केट, जहां हम लेन देन करते, उस तरीके से चींटी भी मार्केट उनकी होती है खुद की, या लेन देन करती है चीजों की। आज साइंस ये कहती है जब चींटी कोई दाना को जमा करती है और उस दाने में बडिंग होता है, तो चींटी उस दाने के बड को काटती है, जैसा वो जानती है कि बडिंग विल कॉज रॉटिंग ऑफ द ग्रेन्स, बडिंग के वजह से वो दाना सड़ जाएगा। और अगर वो दाना भीग जाता है बारिश में, चींटी उस दाने को सूरज की रोशनी में ले आती है सुखाने के लिए, फिर वापस ले जाती है। हम अक्सर देखते हैं चींटियां दाने को लेके जा रही, कहां लेके जा रही है, सुखाने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। फिर से वापस ले जाती है जमा करने के लिए, जैसा वो जानती है कि ह्यूमिडिटी विल कॉज रॉटिंग ऑफ द ग्रेन, वो जानती है कि पानी के जरिए ये दाना सड़ जाएगा, वो लेके आती है सुखाने के लिए सूरज की रोशनी में। कुरान मजीद चींटी के बारे में जिक्र करता है 1400 साल पहले। अब हम जिक्र करेंगे मेडिसिन के बारे में, टिप के बारे में, और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 68 और 69 में, वह 68 और 69 में, कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने आपको पीने की चीज दिए जो शहद के मक्खी के बदन से निकलता है, जिसमें इंसानों के लिए शिफा है। हम पहले यह नहीं जानते थे कि शहद के मक्खी के बदन से मिलता है शहद, वो तो हाल में जानने लगे हम 200 साल पहले, 300 साल पहले। और लिखा है इस शहद में इंसानों के लिए शिफा है। आज हम जानते हैं दैट हनी इज रिच इन फ्रुक्टोज एंड वाइटामिन के, फ्रुक्टोज और वाइटामिन के में रिच है। और आप ये भी जानते हैं कि हनी में माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, इसीलिए वर्ल्ड वॉर टू में रूस के सोल्जर्स, रशियन सोल्जर्स, जब जख्म होता था वो जख्म पे लगाते थे शहद, और इस शहद के जरिए जख्म अच्छा होता था विदाउट लीविंग एनी स्कार टिश्यू। और क्योंकि शहद में डेंसिटी है, गाढ़ा है, उसके वजह से बैक्टीरिया और फंगस उस जख्म में नहीं उगता था। और अगर कोई आदमी को एलर्जी है कोई झाड़ या पौधे से, उस पौधे और झाड़ से बना हुआ शहद उस इंसान को देंगे तो वो इंसान को उस एलर्जी से रेजिस्टेंट डेवलप होगा। अब हम जिक्र करेंगे, और लिखा है इस शहद में इंसानों के लिए शिफा है। आज हम जानते हैं दैट हनी इज रिच इन फ्रुक्टोज एंड वाइटामिन के, फ्रुक्टोज और वाइटामिन के में रिच है। और आप ये भी जानते हैं कि हनी में माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, इसीलिए वर्ल्ड वॉर टू में रूस के सोल्जर्स, रशियन सोल्जर्स, जब जख्म होता था वो जख्म पे लगाते थे शहद, और शहद के जरिए जख्म अच्छा होता था विदाउट लीविंग एनी स्कार टिश्यू।
اور کیونکہ شہد میں ڈینسٹی ہے، گاڑا ہے، اس کے وجہ سے بیکٹیریا اور فنگس اس زخم میں نہیں اگتا تھا۔ اور اگر کوئی آدمی کو الرجی ہے کوئی جھاڑ یا پودے سے، اس پودے اور جھاڑ سے بنا ہوا شہد اس انسان کو دیں گے تو وہ انسان کو اس الرجی سے ریزسٹنٹ ڈیولپ ہوگا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔